नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान जय जी हैं जो नेपाल से आए हुए हैं और इनको सीवियर बैक पेन, नेक पेन और पेट की दिक्कत है। अभी आप देखिए जो पेट है, तो जो पेट की जो दिक्कत है, इनको जो दिक्कत हुई थी वो कैसे हुई थी आप बयान दीजिए, फिर मैं बताता हूँ सारा। पहली बार तो मेरे को तेज बोलिएगा, पहली बार तो मेरे को जो मैंने वजन वाली बहुत सारी वजन वाली उठाई थी, वजन का मतलब काम करते थे, वजन का सामान खा लिया, सामान उठाया खाली पेट में, खाली पेट उठाया था। और उसके बाद मेरे को जो मैंने अमर जो होते ना उससे मैंने वो जो मुड़े के जो बोकरे होते ना उसके मैं छिल लिया, यानी वो गर्मी भी हुई थी, बहुत सारी गर्मी हुई थी। और उसके बाद मैंने वो करने के बाद मेरे को ये जो ये सारी नॉक्स मेरे को थकान जैसा लग रहा है बॉडी के अंदर, पूरे शरीर पूरे शरीर जो जो ये जोड़ी जोड़ी होती है ना हड्डियों में, वो सारी नॉक्स भी बहुत सारी में सारे दर्द हुए थे। और उसके बाद मेरे आंखें भी थोड़े सा ब्लर जैसा दिख रहा है। और उसके बाद मैं सोने लगता हूँ तो मेरे को ये जो हार्ट की होती है ना, वो जो हार्ट बीट वो बहुत ज्यादा से धड़कती है और मुश्किल होती है। और उसके बाद मेरे को होती रही होती रही। और फिर मैंने एक बार मैंने सोच लिया कि मेरे गांव पे मेरे को वो नाभि टल गई है। और उसके बाद मैंने कितने लोगों को मैंने नाभि भी चेक कराई और उन्हें बोला कि उन्हें कई लोगों ने ऐसे चेक करे और कई लोगों ने ऐसे प्रेस करके चेक करे। और उसके बाद मैंने नाभि के चक्कर में ज्यादा फंस गया, नाभि के चक्कर में वो कर गया। और उसके बाद वही लग रहा है मेरे को भी सेंटर पे प्रेस होती नहीं, धड़कती नहीं, और साइड पे धड़कती है, राइट साइड पे मेरे को लग रहा है। और उसके बाद मेरे को कितनी सारी प्रॉब्लम आ गई। और मेरे को ये मैंने जो है नाभि सेट कराने के लिए कहा है एक बंदे को, उसने ये नाभि के सेंटर पे जो उंगलियाँ रख के मेरे को ये बहुत सारी खिंचाव की है, खींच के मेरे को ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को पेन हुआ है और सूजन भी हुई। और मैंने चेक कराया कि मेरे को कहीं तो किडनी पे तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और मैं डॉक्टर के पास गई और चेक कराया तो उन्होंने नॉर्मल बोला। और मैंने उसके बाद मेरे को ये लेफ्ट साइड पे यहाँ तक मैं बताता हूँ। धन्यवाद। मात्र इनकी 22 साल उम्र है और आप देखिए इनको जो भी प्योर जो दिक्कत थी वो थी पेट की, पेट में स्वेलिंग थी। ये किसी नाभि वाले के पास में चले गए और नाभि वाले ने इनका कई बार नाभि सेट किया और ये कई सारे लोगों के पास चले गए। जितने सारे लोगों के पास जाते हैं नाभि वालों के पास, तो नाभि चेक करके हमेशा आपको बताते हैं कि आपकी नाभि खराब है, बल्कि हो सकता है कि आपकी नाभि ठीक हो और पेट में कोई दूसरी दिक्कत हो। इनको कोई भी दिक्कत नहीं थी, इनको पेट में भयंकर सूजन थी, इनकी पेट की मसल्स खिंच गई थी क्योंकि उन्होंने वजन ज्यादा उठाया था और कई बार वजन उठाया था, एक बार नहीं है ना, एक बार किया था लेकिन ज्यादा वजन उठाया था, एक बार किया था ज्यादा वजन और ज्यादा समय तक, ज्यादा समय तक उठाया जी हाँ, 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ज्यादा समय, मतलब वजन उठाने का 6 घंटा ज्यादा काम किया। तो यही वो कारण था जिसके कारण उसी समय से आपको तकलीफ चालू हो गई, उसी समय से इनको तकलीफ चालू हो गई। उसके बाद नाभि वाले के चक्कर में फंस गए। अब इनके दिमाग में नाभि का एक वहम चला गया कि मुझे नाभि की दिक्कत है। मैंने अब इनको समझाया कि आपके पेट में सूजन है और वो सूजन आपको काम नहीं करने दे रही। जो पेट रोग होता है वो पेट रोग ही भयंकर होता है, क्योंकि पेट रोग वाला व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। और आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व के पटल पर ज्यादा जो पेट रोग होता है वो डिप्रेशन का शिकार ही हो जाता है। पेट रोग लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तगड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, तब हम पेट रोगी बनते हैं। इनके पेट में सूजन है, कड़कपन है, भारीपन, तनाव और खिंचाव रहता है। और इसके साथ में मैं आपको बोलता हूं 3 चीजें फिर मिल जाती हैं, गैस, अपच और अफारा और एसिडिटी, साथ में सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी है। और जब पेट रोग होता है तो निश्चित तौर पर पेट हमारा खाने को हजम नहीं करता, और खाना हजम नहीं होता तो निश्चित तौर पर शरीर में कमजोरी आ जाती है तो निश्चित तौर पर आपका पेट काम नहीं करेगा, तो कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी, विटामिन की भी कमी हो जाएगी, विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी। तो उसके कारण इनको कमर की समस्या हो गई और गर्दन की समस्या होगी। अब इनको सीवियर गर्दन में दर्द है, गर्दन में एक C4-C5 वर्टिब्रा ब्लॉक है और L5-S4 में डिस्क है। अब आप ध्यान से देखिए, और ये पेट के कारण सारा कुछ हुआ है इनको। आगे इनको स्टूल में यूडीएफ आता है, म्यूकस आता है, इनको सीवियर थकान रहती है, कमजोरी रहती है, नेगेटिव जो तो निश्चित तौर पर स्वयं आ जाती है। और जब पेट की समस्या हो जाती है तो वजन लॉस होता रहता है। वजन कितना लॉस हुआ आपका? वजन तो 1520 20 से मतलब 15 से 20 किलो इनका वजन लॉस हो गया।
अब उसके बाद में इनको सांस फूलती है और नेगेटिव थॉट्स तो रहती है, आपको पता है कि इनका पेट बहुत वीक है। अब आप देखिए, पेट अगर किसी को समस्या है, पेट की मसल्स वीक हो जाती हैं, जैसे नली पड़ जाते हैं, पेट में सूजन हो जाती है, कड़कपन हो जाता है, तो उसका पेट फूलता नहीं है। आप देखिए, दिखाइएगा, ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पेट है, ये जो पेट है ये बाहर की तरफ नहीं फूलेगा, फुलाइए, ये देखिए अंदर तो चला जाएगा, अंदर कीजिए, ये देखो अंदर गया लेकिन ये बाहर नहीं जाएगा, जितना नॉर्मल छोड़िए और फुलाइए, अब फुलाइए, अब इससे ज्यादा ये फूलेगा नहीं, बल्कि फूल जाना चाहिए, अंदर होना चाहिए, फूलना चाहिए, अंदर होना चाहिए, फूलना चाहिए, अंदर होना चाहिए। यही हमें सिखाता है कि अब इनके पेट में ऐसे टच करने पर देखिए भयंकर दर्द है, ये देखिए ऊपर कीजिए, ये देखिए मैंने ये टच किया, ये देखिए सिर्फ टच करने पर इनको दर्द है, मतलब सीवियर इनको स्वेलिंग है, और यही सूजन इनको खाना नहीं पचने दे रही, यही गैस बनाती है, यही खाने को आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि जो हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टोमक और जो सारे अंग हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पोले अंग हैं, वो कड़क हो चुके हैं और उनमें जगह कम बची है खाना आगे जाने के लिए। इनको पोटी खुल के नहीं आती, क्योंकि पोटी खुल के नहीं आएगी, क्योंकि डाइजेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो इनका डाइजेशन है वो बहुत स्लो हो चुका है, खाना इनका डाइजेशन स्लो हो चुका है, इनको अनपचा खाना आता है पोटी के अंदर यूरिया। हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी भी खाली पेट रहकर आपको बहुत ज्यादा वजन वाला काम नहीं करना, वजन नहीं उठाना, चाहे आप जिम में जाते हो, चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, घर पे काम करते हो, या आप शटर उठाते हो ताकत लगा के, या कोई भी चीज ऐसी उठाते हो जिससे आपकी कमर और पेट में वजन ज्यादा पड़ता है, हैवी प्रेशर पड़ता है, उससे निश्चित तौर पर आपको डिस्क हो सकती है, या आपको पेट में नली पड़ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, पेट कड़क हो सकता है, मसल्स का खिंचाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अब इनको आराम से सिकाई करनी चाहिए, केसु के फूल बांधने चाहिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, पेट की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, पेट की स्ट्रेचिंग के साथ में सेल्फ मेडिटेशन करनी चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग करनी चाहिए, आसन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, योगा करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट इनके लिए अब अनिवार्य हो गया है, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और आप जानते हैं कि मेडिसिन अगर ये बहुत खाते हैं, कितने लोगों को दिखा चुके हैं अभी तक तो मैंने और कितने लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अभी तक आप? 5-6 लाख खर्च हो गए हैं 6 महीने के अंदर ही। जी हाँ, और 6 महीने के अंदर अभी लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, 5-6 लाख। कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, हम आपको फिर कहते हैं कि पेट रोग में मेडिसिन कामयाब नहीं होती, मेडिसिन आपके लक्षण को कम कर देती है, लेकिन मेडिसिन बंद करोगे तो अगले दिन से फिर वही लक्षण आपको क्रिएट हो जाते हैं। पेट रोग कोई भयंकर बीमारी नहीं होती, कोई भयंकर पीड़ा नहीं होती, कोई भयंकर व्याधा नहीं होती, इससे आपको डरना नहीं है, ना इससे आपको नेगेटिव होना, ना इससे नकारात्मक सोच अपने अंदर रखनी, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बॉडी के अंदर आप जानते हैं कि खाना नहीं पचेगा तो निश्चित तौर पे आपको गैस बन जाएगी, एसिडिटी बन जाएगी, पेट में भारीपन हो जाएगा, यह एक सिम्टम्स होते हैं और ये सिम्टम्स मिलाकर ही पेट रोग बनता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर में कोई भी सिम्टम्स आ जाता है तो उसको हमें डिलीट करना है, उसको हमें निकालना है, तो निश्चित तौर पर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम इसमें जो ट्रीटमेंट देते हैं वो कामयाब है, लेकिन लंबे समय तक चलता है। आप हमारे पास 2 दिन के लिए नहीं आइएगा, 3 दिन के लिए भी नहीं आइएगा, पूरा टाइम निकाल के आइएगा। हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते अपने पास बुलाने के लिए, नहीं ये कहते हैं कि आप आइए ट्रीटमेंट लीजिए, आपकी इच्छा है तभी आप आकर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये एक नेचुरल क्रिया है, ठीक होने में समय लगता है। इनको सीवियर कमर दर्द है, अब हम इनकी स्पाइन को सेट करेंगे और दर्द को सेट करेंगे, वो आप देखिए। इसके लिए आपको और पेट रोग के लिए हमने इतनी सारी एक्सरसाइज आपको बता चुके हैं, नली की सेटिंग करनी है, टॉफिंगर लेना है, केसु के फूल बांधने हैं, कैस्ट्रोल की सेकाई करनी है, अच्छा खाना खाना है, क्योंकि अब बीमारी होने के बाद अब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो चुका है जिसको हमें ठीक करना है, अपनी लाइफस्टाइल सुधारकर आगे आइए। ढीला छोड़ो, आवाज नहीं, ढीला, पूरी बॉडी ढीली छोड़ो, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ो, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ो, नाक से पकड़ के रखिए उसको, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़िए, नाक से सांस लेके मुझसे छोड़ो, नाक से सांस लेके, बस पूरी बॉडी ढीली, बस एक नंबर, ढीला छोड़ो, बस बस चलो चलो।